हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं और पंकज भीमाशंकर जा रहे हैं। अचानक से प्लान बना, कल मैं पंकज को बोला कि कहीं राइड पे निकलते, पंकज भी बोला सड़ा कि चल निकल जाते हैं। पहले तो शायद उसको मजाक लगा रहेगा, लेकिन कल रात को मैं उसको मिला, उसको बोला कल की राइड का क्या करते, तो बोला चल निकलते, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक चाहिए था मुझे थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छा राइड नहीं किया था 2023 में। नए साल में एक राइड तो बनती है ना, तो ये कुछ शुरुआत। वैसे हम लोग जयपुर गए थे, लेकिन जयपुर हम लोग ट्रेन से गए थे, तो ट्रेन से जाना और बाइक पे जाना वो दो डिफरेंस थिंग है। वैसे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, मुंबई में इतनी ठंड नहीं है, हालांकि हम लोग 6 बजे निकले थे लेकिन इतना ठंड नहीं था, लेकिन यहाँ पे ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। और मैं और पंकज अभी हेलमेट से कनेक्ट है, अंदर ब्लूटूथ डिवाइस हम लोग ने कनेक्ट करके रखा है, कल ही इंस्टॉल कर लिया है। पालकी या रोडला खूप वेळा मला पालकी दिसतेच। मेरे हाथ इतने फ्रीज हो रखे हैं ना अभी कि मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है, सिर्फ गियर डाल रहा हूँ, क्लच दबा रहा हूँ, ब्रेक दबा रहा हूँ, बस उतना ही फीलिंग है। क्योंकि ठंड इतना है ना कि मैं बता नहीं सकता आपको, शायद आपको कैमरा पर नहीं दिखेगा वो ठंड कितना है, शायद आगे ये धूप है इसलिए आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है। उनके पीछे गाने सुन रहा है हेलमेट में, हम लोग ने हेलमेट के अंदर जो ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट किया है ना उसके अंदर गाने सुनाई देते हैं, लेकिन आवाज़ आता है, बाहर का भी आवाज़ आता है, गाने का भी आवाज़ आता है। आप देख सकते हो कि फॉग कितना है यहाँ पे, धुंध है, धुंध की एक चादर है। लेकिन ऐसा क्लाइमेट ना पूरे दिन भर होना चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा राइड करने के लिए, बस प्लेजेंट क्लाइमेट होना चाहिए, नो एंट्री बोला है। चल थोड़ा यहाँ पे रुकते हैं। गाइस अभी हम लोग लोनावला आए, एक छोटा सा ब्रेक लेके यहाँ से निकल जाएंगे। पंकज गाने सुन रहा है हेलमेट के अंदर, थोड़ा एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे ठंड नहीं है, यहाँ पे ठंड नहीं है ना, देखो ये पंकज फुल एंजॉय कर रहा है, ब्लूटूथ के मजे ले रहा है। तो गाइस ऑलमोस्ट हम लोग अभी आधा घंटा पौना घंटा यहाँ पे रुके, हवा बहुत तो अच्छा लग रहा था और मुझे एक रील बनाना था, वो रील आप इंस्टाग्राम पे मेरे देख सकते हो, आप ज़रूर चेकआउट करो, बहुत ही अच्छा एक रील बनाया है, एक आयुष्मान खुराना का एक रील था, उससे इंस्पायर होके मैंने पंकज को बोला कि मुझे वैसा वाला कुछ शूट करना है। तो हवा बहुत चल रही थी, वो जो DSLR है ना वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, अभी इसके अंदर DSLR रखा है अभी। अरे सच में यहाँ पे इतना हवा है, इतना हवा है, बिना गाड़ी चला है मेरे को लगता है, अगर गूगल में अपन गूगलिंग करेगा ना तो मुझे लग रहा है 80 किलोमीटर पर आर के विंड स्पीड बहुत है, बहुत है, बहुत ज्यादा विंड है। चलो गाइस यहाँ पे निकलते हैं, और मुझे सिर्फ अभी सुसु लगा है, बस वो एक सुसु के लिए रुकना पड़ेगा, बाद में डायरेक्ट निकल जाएंगे। कैमरा तो गाइस जो पता नहीं हम लोग अभी कहाँ पे है, लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके थे, काफ़ी अच्छा था, स्पाइसी था,
कुछ हार्डली 20 किलोमीटर बचा रहेगा अभी। हम लोग बहुत आराम आराम से जा रहे शूट करके, आराम से एकदम। खाना कैसा था पंकज? हाँ, खाना कैसा था? बहुत अच्छा था। हाँ? मन है ना, मन। हाँ मन अभी सब करने को बोल रहे, पोटी करने को, सोने को। चलो तो गाइस अभी यहाँ से निकल गए, और देखते हैं आगे जाके कितना मिनट लगता है। अभी खाना खाया ना बहुत टाइम के बाद, वैसे कुछ नहीं खाया था हम दोनों ने, तो अभी यहाँ पे होटल त्रिमूर्ति में खाना खाया, और अभी दोनों को भी सुस्ती आने लगी है, तो निकल दे ज़्यादा सुस्ती आने से पहले, नहीं तो यहाँ पे ही रह जाएंगे। टू व्हीलर या फोर व्हीलर से आप डायरेक्ट मंदिर के पास आ सकते हो। ये देखो ये मंदिर है, आप डायरेक्टली आ सकते हो। अपन कहाँ पे थे पहले? ऊपर, बहुत बहुत दूर थे। तो हम लोग यहाँ पे ये सब फूल वगैरह सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे। और इनके वहाँ पे अपन ने जैकेट और ये रखा है, जैकेट और सामान सब कुछ रख दिया यहाँ पे। अभी हम दोनों जाएंगे यहाँ से, देखते अंदर भीड़ की नहीं। वो अंकल क्या बोले कि VIP चाहिए तो इधर से 500 रुपीस, और तुम लोग को लाइन में लगना है तो वो साइड से। चलो चलो चलो, ये बाइक यहाँ पे, ये देखो हमारी बाइक यहाँ पे, हम लोग ने खड़ी की है ये बाइक। और ये कुछ मंदिर है, देखो ये देखो, इसके लिए 500 रुपीज़ एंट्री है। अगर आप VIP पास से जाते हो तो 500 रुपीज़ एंट्री फी है। और VIP दर्शन, VIP ज़्यादा रंग नहीं है, देखिए यहाँ देखिए क्या साइड लगा सा ऐसा। अपने अपने बहुत सारी जगह पर सब सामान लगता है। छोटा
मंदिर के बाहर ये कुछ दिखा और वहाँ पे देख शंकर भगवान की इतनी अच्छी मूर्ति है ना। लेकिन मुझे दूर से पार्वती मान लग रही है, लेकिन बॉडी से शंकर फेस थोड़ा ऐसा लग रहा है ना। अच्छा क्या मतलब गोपुर में दिख रहा है कि नहीं? अपुन ने जगह बहुत अच्छी की थी ना। ये देखो ये गाइस मंदिर, और यहाँ पे हम लोग ने चलो गाइस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे बहुत इजीली हो गया ना, इजीली हो गया, सिर्फ दूर है थोड़ा सा। दूर मतलब? दूर मतलब बहुत अंदर अंदर आना पड़ता है। हाँ हर हर महादेव, हर हर महादेव। कितना बजे? कितना बजे? 4:30 4:39। और वो वाली कितना बजे? 4:37 ना? हाँ हाँ 4:37 टाइम। 4:37 टाइम है? 4:39 नहीं है, ब्लूटूथ वाला है। अच्छा ब्लूटूथ वाला है तो 4:37 उसके साथ होता है। अच्छा तो गाइज अभी हम लोग एक लोकेशन पे आए, अभी हम लोग भीमा शंकर से बहुत दूर आए थोड़ा सा, तो अभी यहाँ पे सनसेट हो रहा था, तो मैं पंकज को बोला कि यहाँ वीडियो एंड कर दे, क्योंकि इसके बाद शायद रात हो जाएगी तो हम नहीं दिखेंगे। और पंकज यहाँ पे फोटो सेशन कर रहा है और एक रील बना रहा है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। पंकज वीडियो को एंड करते पहले, चल एंड कर रहा है। हाँ क्योंकि ये रात हो जाएगी ना उसके बाद। हाँ तो गाइज आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता दो, और वीडियो को लाइक करो शेयर करो। हम दोनों की हालत बहुत अभी बेकार हुई है, पता नहीं कितना, और बाइक में पेट्रोल भी नहीं है अभी। हाँ, बाइक पेट्रोल, में पेट्रोल और पेट्रोल भी नहीं, और पेट्रोल पंप भी नहीं है यहाँ पे, पता नहीं हम लोग कैसे जाएंगे। शायद आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि हम पहुँचे नहीं पहुँचे। तो गाइज चलो टूरिस्ट डाल रहा है क्या इंस्टाग्राम पे? वो आगे जाके रेंज आएगा तो डाल दूंगा, अभी रेंज नहीं है यहाँ पे जरा भी। वो व्यू दिखा दे उनको एक बार कैसा है। ये देखो गाइस, ये देखो, ये देखो, और यहाँ पे बाइक खड़ी है हमारी, ये देखो। चीता चीता भी पीता है। चलो बाय बाय बाय, आई लव दिस। बाइक स्केटिंग होने लगा, हम लोग को लगा कि वाटर ही स्लिप था, तो बैलेंसिंग नहीं हो रहा था। हम लोग मतलब बोलते अपने शूज से कंट्रोल कर रहे थे, बहुत डेडली था शायद। साले मैंने मेरा पूरा देखते, हम लोग हाफ देखते, और वहाँ पे रुकने के बाद हम लोग कम से कम 5 मिनट एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, और कुछ मालूम था। मैंने गूगलिंग किया, मैंने जस्ट डायल पे 8.5 किलोमीटर भी था, और कुछ भी आइडिया नहीं था, कुछ भी होप नहीं था। अचानक बंदे आगे चले गए, सडन ऑफ ये आए, इन्होंने हेल्प किया। ये यहाँ के लोकल है, कलमबोली में भी रहते हैं, और यहाँ पे उनका लोकल भी है। बाइक कैसे लेके आए वो बता, ये वाली बाइक? तो भाई ये कैमरा मैन है जो सफर विद संजोग जिसका चैनल है, वो बाइक हैंडल पूरा करके आया है। बहुत खतरनाक यार, लेकिन सच में तो क्या करते थे अपुन?
भाई गद्दी डालने वाले थे बहुत बहुत इन लोग का सीरियसली दिल से मतलब बोलते ना कुछ तो रहेगा जो शंकर भगवान के वहां से कोई तो अपने को बंदे मिले और इन लोग ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किए भाई ने बहुत यहाँ से 8 किलोमीटर हम लोग गए गाड़ी में आए सीरियसली थैंक यू मोस्ट वेलकम यहाँ पे हुआ पता दो मालूम है लॉन्ग ड्राइव पे रहोगे आप हाँ तो ट्यूब भाई हिमालयन का सच में यार हिमालयन को ट्यूबलेस जिसका करो यार हिमालयन के बारे में हाँ ये पीएस में डालना और थैंक यू सो मच चलो थैंक यू हाँ